नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 का आगाज हो चुका है। टॉप 12 में पहुंचने के लिए टीमें मुकाबले खेल रही हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 23 अक्टूबर के बाद से ही बड़ी टीमें मैदान में नजर आएंगी। हालांकि इस दौरान तमाम टीमें अभ्यास मैचें खेल रही हैं और इसी कड़ी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 20 अक्टूबर को एक अभ्यास मैच आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाए। स्टीवन स्मिथ ने 48 गेंदों पर 57 रनों की सर्वाधिक पारी खेली। टीम इंडिया गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी का नजारा इस वक्त पेश किया। अश्विन ने जहां 2 ओवर में 8 रन देकर 2 विकेट लिए, वहीं रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार ने भी 4 ओवर की गेंदबाजी में 27 रन देकर 1 विकेट लिया। राहुल चवर ने 3 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के लिए केएल राहुल और रोहित शर्मा की जोड़ी ने ताबड़तोड़ शुरुआत की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 68 रन जोड़ डाले। केएल राहुल 31 गेंदों पर 39 रन बनाकर पारी के 10वें ओवर में आउट हुए। इसके बाद रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और यहां भी अर्धशतकीय साझेदारी कर डाली। इस दौरान रोहित शर्मा ने 41 गेंदों पर 60 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के लगाए। वहीं सूर्य कुमार यादव ने 27 गेंदों पर 38 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का लगाया। आपको बता दें, रोहित शर्मा के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 8 गेंदों पर 14 रन बनाए, जिसमें एक खूबसूरत छक्का था, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने जीत हासिल की। टीम इंडिया ने 17.5 ओवर में ही सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। टीम इंडिया ने 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले अपने दोनों अभ्यास मैचों में जबरदस्त खेल दिखाया। पहले इंग्लैंड के खिलाफ 189 का स्कोर 19वें ओवर में ही चेस कर लिया था और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी दमदार बल्लेबाजी के दम पर मैच जीत लिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।